क्यों नहीं, क्यों नहीं संभालेंगे देश को? नौजवान हैं, उनमें ताकत है, पूरा नौजवाने को हीरो है, वो क्यों नहीं संभालेंगे? वो पीएम बनने की काबिलियत है उनमें, ये तो जनता का रुझान होगा, उनके दलों का है, सब लोग का ऐसी होगा कि अभी बनेंगे। अभी तो मेन हमारा मकसद है कि लड़ाई को लड़ना, अभी लड़ाई नहीं है। पीएम सीएम कौन क्या बनेगा, इतनी सीट पर अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे ना। उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग पार्टी में महागठबंधन में शामिल कराएंगे? जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें होंगे वो आएंगी पार्टी में। अच्छा जी, तमाम जो आना चाहेंगे पार्टी के लिए दरवाजा खुला है, वो आए। आप संगठन में अपने लोगों के लिए लड़ते रहे, पूर्वी जी ने कमेटी गठित की, आप कितने लोग आए? कौन मेरे? तमाम मेरे ही लोग हैं यार, मुझे यार सब हमारे ही लोग हैं जो आए हैं। सीट को लेकर गाड़ी से ट्रांसपोर्ट में आपकी क्या भूमिका होगी टिकट बांटने और इस समय? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको हम बोलेंगे, विनती करेंगे उनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को, महिलाओं को दिया जाए, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को दिया जाए, ताकि सीट जीत करके आए। कितने परसेंट महिलाओं को दें? अब जितना परसेंट महिला लोग रहेगी सब लोग को दिया जाएगा टिकट, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा, महिलाओं को, पुरुषों को, नौजवानों को। तेज प्रताप यादव से लड़ाई लड़ रहे थे आप? उघार का लड़ाई अलग है, पर्सनल लड़ाई है, उसके लिए बिगुल की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या बिगुल का जरूरत है? उसका बिगुल तो फुका गया था उसी दिन, जिस दिन गए थे। 10 नंबर कब जा रहे हैं? 10 नंबर हम कैसे जा सकते हैं? अभी 10 नंबर हम नहीं जा रहे हैं, अभी जनता किस हाल में उसको देखने जा रहे हैं। 10 नंबर जाने की जरूरत नहीं। घर के भीतर कुछ लोग आपकी चुगली कर रहे थे जैसा आपने कहा था, अब उस मैटर पे क्या करेंगे आप? कौन चुगली कर रहा है? आपने कहा कुछ लोग कर रहा, करने दीजिए चुगली, हमको उस पे फोकस नहीं करना, हमको जनता को देखना है। चलिए अब हो गया, अब सब लड़का लोग के साथ मीटिंग है, बात कर दिए क्या उन लोगों तीनों को? कौन तीनों को? जिस तीनों को हटाने की बात कर रहे थे वो तीनों तो अपने कल हम गए बिया में तो पता चला कि तेज प्रताप जी आ रहे थे, दुम दबा के भाग गया गाड़ी लेकर। चलिए हो गया। इतना मटेरियल ठीक है, मीटिंग चालू हो गई, नौजवान को भी थोड़ा टाइम दे दें, जरूरी था।